नमस्कार। तो साउथर्न रेलवे चेन्नई की तरफ से दो दो आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, यहाँ पे आपके सामने मैंने रखे हैं। लेकिन वीडियो आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई आप एक बात बताइए, मैं छोटी से लेके बड़ी खबर जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके लिए, हम आरटीआई मैंने भी लगाए हैं और जो भी भाई है उनको भी सजेस्ट किया है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हर आरटीआई को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बात बताइए, बाकी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं तो वो आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें उनको मतलब इंक्रीजमेंट हो, उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। मैं आपको आपकी भावनाओं को ध्यान में भाई रखते हुए मैं आपको एक छोटे से छोटा जो अपडेट है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो आपका इतना तो कम से कम वो बनता है, क्योंकि मैं वीडियो में देखता हूँ तो भाई मेरा ना 90% जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सिर्फ 10% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, है ना, क्योंकि भाई अगर आपको मेरी वीडियो इतनी वीडियो देखी है आपने तो यार थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट हुआ हो तो मैं तो इतना ही तो बोल रहा हूँ, बस आपसे कुछ वो थोड़ी ना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए यार एक छोटे से छोटा भी आरटीआई कोई कोई रिप्लाई है तो भाई जिससे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, काम की। तो भाई मैं तो आपकी इतनी मनोभावनाओं को ध्यान में रख रहा हूँ, चाहे मेरे को वैसे मैं तो देखो वैसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाल सकता हूँ, मेरे पास 10 दिन व्यू नहीं आएंगे, 15 दिन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर 20 दिन बाद तो उन पर भी आने लगेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन अब जब आपसे जुड़ा हूँ तो आपको भी छोटी से छोटी खबर दे रहा हूँ, तो प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो को देख रहे हैं भाई, आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना लास्ट तक आपसे आपसे जुड़ा रहूंगा, लेकिन प्लीज आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार। तो सारे के सारे भाई जिन्होंने भी नहीं कर रखा है वो सारे कर लेना प्लीज, ठीक है। तो अब हम बात करें, देखो ये आरटीआई लगाया था भाई ने 19/8/2023 को, इसका रिप्लाई आया है कल शाम को 15 तारीख और 9वां महीना 2023। यहाँ पे इन्होंने बोला है नंबर ऑफ नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एबसेंट इन डीबी इज ये 121। तो इसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट कर करके बताता हूँ सीधा, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। दो दो आरटीआई हैं, दोनों को बताऊंगा मैं आपको। तो देखो डीवी में अनुपस्थित गैर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेटों की संख्या है 121। बाकी हम बात करें कि ये अनुपस्थित गैर पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों की संख्या 121 है, जिसमें यूआर के भाई 78 हैं और एससी के 8 कैंडिडेट हैं, एसटी के 9 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 9 कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस के 17 कैंडिडेट हैं। आगे जो भी क्वेश्चन किया था इन्होंने तो उसका रिप्लाई आया है पीईटी में उत्तीर्ण यूआर उम्मीदवारों की संख्या ये 7877 है, ठीक है। आगे हम बात करें पीईटी में यूआर के मुकाबले उत्तीर्ण ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या 4409 है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में मांगी गई जानकारी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी, और 7वें नंबर में बोला इन्होंने आपके द्वारा मांगी गई जानकारी स्पष्ट प्रकृति की है इसलिए जानकारी स्पष्ट नहीं की जा सकती। भाई ये तो इनका आरटीआई का रिप्लाई हो गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, और मैं आपको दूसरे आरटीआई को भी बता देता हूँ एक मिनट। ऐसे तो उनका जो क्वेश्चन था उसका पहले का उन्होंने जवाब दिया है, पैनल एक में शामिल सीसीए 109 बैच की संख्या 2 है, तो ये तो काफी बार उन्होंने पहले भी मैंने आपको जो आरटीआई थे उनमें बता दिए है, और इन्होंने बोला है कि जो दो कैंडिडेट है उनको बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, मांगी गई जानकारी आरआरसी चेन्नई में उपलब्ध नहीं है और उसे मुख्यालय SRLY को भेजा जाता है जहां से आप सीधा सुनेंगे। और 4वें नंबर में बोला है इन्होंने इसलिए आपको आपके द्वारा मांगी गई जानकारी स्पष्ट करने वाली है और इसकी मतलब जानकारी इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, इन्होंने ये बोला है। अब यहाँ पे 5वें नंबर में बोला है इन्होंने दूसरे पैनल के बाद खाली रह गई रिक्तियों की संख्या 576 है, जिसमें यूआर के 223 कैंडिडेट, एसटी के 87 हैं और एससी के 87 और एसटी के 64 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 140 और ईडब्ल्यूएस के 62। भाई ये जो अपना पहला आरटीआई है ये देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।